एंगर मैनेजमेंट। आज के हर नौजवान को ये जरूरी है उसके लिए कि वो एंगर मैनेजमेंट के बारे में जाने, जो अचानक इंसान में एक गुस्सा इरप्ट करता है उसको किस तरह मैनेज करना है। और एक बात याद रखिए, मैं एंगर कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट जो है वो एंगर कंट्रोल करने से बहुत मुश्किल बात है। इसमें आपको अपने गुस्से की डायरेक्शन को डाइवर्ट करना होता, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सर, गुस्से को कंट्रोल करने में और गुस्से को मैनेज करने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। गुस्से को कंट्रोल कर लेना बड़ी हिम्मत और बहादुरी का काम है, लेकिन मैं एंगर मैनेजमेंट को इससे भी ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री समझता हूँ। तो फिर सर, इस गुस्से को कैसे किसी दूसरे सिंप मोड़ा जाए? सर, हमें ये बताएं कि एंगर मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं हम? देखिए, एंगर मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी साइंस है जो 2-3 लेक्चर्स में तो आपको समझ में नहीं आने की। एक बात आप लोग जान लें, जो गुस्सा है वो अपने साथ बेपनाह एनर्जी लेकर आता है। कभी कभी इतनी एनर्जी आम हालात में इंसान के अंदर पैदा नहीं, लेकिन जो शख्स अपनी इस एनर्जी को किसी क्रिएटिविटी में ढाल दे, इमेजिन ही कॉन्कर्स द वर्ल्ड। आप आ गए आलन बाबा? हाँ जी। बड़े साहब, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। साहब, आपका बहुत बार पूछ चुके हैं। अब्बा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। वो तो 15 मिनट पहले ही बेडरूम में गए सोने के लिए। वो कह रहे थे कि आप आए तो खाने का पूछ लूं, और आप कहें तो आपके आने का बता दूं। नहीं नहीं नहीं, अब साहब को नहीं उठाना और मैं सोने जा रहा हूँ। खाना खा चुका हूँ। थैंक यू। थैंक यू। वैसे एक बात लिखवा लो, इस आर्यन का गुस्सा ना मैं एक दिन मरवाएगा। वैसे यार आर्यन, तुम्हें लुबना याद है? हमारे हाई स्कूल में होती थी, हमसे 4 ग्रेड सीनियर। उसकी भी कल शादी हो गई। आज वेडिंग रिसेप्शन है आई थिंक। रियली? क्या मतलब उसकी भी शादी हो गई? और मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने उसके वलीमे का मेन्यू डिसाइड करना है क्या? नहीं नहीं, मतलब तुम्हें इस बात को सुनके कोई दुख नहीं हुआ? होना तो चाहिए। क्या फजूल बातें हैं यार। और मतलब मुझे क्यों शॉक लगेगा? मेरी कौन सी महबूबा थी? ओह माय गॉड। कुछ भूल रहे हो तुम। महबूबा तो तुम्हारी थी, अच्छी तरह याद है मुझे। अब इस बकवास का क्या मतलब है? इस बकवास का यही मतलब है मिस्टर आर्यन कि कब तक मैं और टीना तुम्हें अपने साथ लेके घूमते रहेंगे? अपने लिए भी कोई लड़की पसंद कर लो, हमारे बीच में बिठाओ उसे, प्लीज यार। अब तो पसंद कर लेनी चाहिए आर्यन। वैसे आई वंडर कि कौन होगी वो लड़की जिसे आर्यन पसंद करेगा? जरूर कोई वाइल्ड हसीना हंटर टाइप। यार तुम लोगों की फजूल और रबिश बातों के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। तुम दोनों की मेंटालिटी तो है ही चीप, दोनों के दोनों एक जैसे ही। अच्छा, समीरा तो याद होगी? समीरा तो याद होगी तुम्हें? समीरा तो समीरा का नाम भूल गया। समीरा का कैसे नाम भूल गया? यार ये आर्यन भी ना कसम से हमेशा जल्दी में होता है, आने की भी जल्दी जाने की भी जल्दी। उसकी चकल देखने वाली थी। वैसे तुम्हें पता है आर्यन को कोई नहीं पकड़ सकता, अगर तुम्हें उसे पकड़ना है ना तो प्लीज स्पीड बढ़ाओ यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साहब जरा जल्दी कर लें, बंद होने का भी वक्त हो गया और बच्चा भी चला गया है। बड़ी मेहरबानी होगी साईं। चलो जल्दी जल्दी चाय पियो यार। अरे यार, इस वक्त भी भला कोई चाय पीता?
ओ यार शेरी, किस वीराने में ले आया यार तू हमें? मतलब चाय पीने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं थी मिली? ए यार, चाय पिलाने नहीं लाया हूँ यहाँ पे, एडवेंचर कराने लाया हूँ तुझे। एडवेंचर थोड़ी देर में देख, एडवेंचर करा दो। क्या हुआ है? पता नहीं लेकिन चल रही है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, चल तो रही है गाड़ी। कहाँ चल रही है? इट्स गोइंग, चल तो रही है, थोड़ी थोड़ी तो चल रही है ना। फ्यूल चेक किया था तुमने? टीना फ्यूल इज फुल। तुम एक बार अपनी गाड़ी चेक कर सकते हो? टीना कैन यू प्लीज रिलैक्स। ओह शिट। चाय, और यहाँ पे इतनी गंदी जगह है यार, मतलब कितने जर्म्स होंगे। लुक एट दिस प्लेस, कितने जर्म्स है यार यहाँ पे। बेबी को बुरा लग रहा है। ओ यार, ये 3-star होटल भी जाता है ना, वहाँ भी छींके मारता रहता है, इसको एलर्जी हो जाती है। बहुत सेंसिटिव बॉय है हमारा। इतना कलर क्यों लगा हुआ तेरे? सफाई पसंद बन रहा हूँ। सफाई कौन सी है? Sorry, I'm checking it. मैं चेक कर रहा हूँ। मैं आर्यन को कॉल कर रही हूँ। Please, रैप्टर थी शायद। रैप्टर ही थी। है ना? रैप्टर थी। हाँ? रैप्टर? मैं रैप्टर को छोड़। वो सामने मिनी कूपर को चेक आउट किया। हेलो। हाँ आर्यन, ये ढाबे के पास गाड़ी खराब हो गई हमारी, तुम वापस आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ। चल गए बैठ भाई। वाव, आई थिंक हमें आर्यन का इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर है, कोई प्रॉब्लम भी हो गई है। चलो चल के हेल्प करते हैं। हाँ चल। यार बात सुनो शेरी, हमारा कोई काम नहीं, रहने दे यार, छोड़ दे, रहने देते हैं शेरी। अच्छा यार, क्या हो गया? क्या हुआ, खराब हो गई गाड़ी? यू गाइस नीड एनी हेल्प? नो थैंक्स, वी विल मैनेज। थैंक्स की कोई बात नहीं, अगर कहो तो शहर तक ड्रॉप कर देते हैं, मसला थोड़ी है। कहा ना, मैनेज कर लेंगे। सुना नहीं तुम लोगों ने, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जाओ तब तक अपना काम करो। ओए अपना काम ही तो कर रहे हैं हम, इतनी रात को इतना खूबसूरत माल लेके। पाँच मिनट।